भैया हां देखो मेरी मेहंदी, देखो इसकी मेहंदी, मैंने मम्मी के भी लगवाई थी, मम्मी की मैं फोटो शूट नहीं कर पाई। मैं उसको भी देखता हूं मन्नू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर सोनाक्षी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप सब, और आपका राखी का त्यौहार अब तक तो हो गया होगा, बताइएगा कि आपका राखी का त्यौहार कैसा गया। और आज हम जा रहे हैं आगरा से भिंड, भिंड जा रहे हैं हम गगन के घर पर, मतलब मेरे ससुराल जा रहे हैं। वहाँ पर गगन की एक दीदी रहती है, मतलब बुआ की बेटी हैं, वो इन तीनों को राखी बांधेंगी, मतलब गगन को, शिवम को और सत्यम को, जिनके बाकी दोनों छोटे भाई हैं। तो इसलिए हम जा रहे हैं भिंड, और अपने घर में नहीं जा पाई हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा घर हरियाणा में है, तो वहाँ पर बहुत दूर हो जाता घर जाने के लिए, और अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ससुराल ही आया जाए। और ये देखिए, मैंने आज मतलब त्यौहार वाले दिन ये चूड़ी नहीं पहनी थी, जिस दिन मैं घर पे गई थी उस दिन मैंने पहनी थी हल्की फुल्की, क्योंकि शेल्बी ना बहुत सारी चूड़ियाँ तो मेरी तोड़ चुकी है, मुँह में दबा लेती है। और ये देखो मैंने मेहंदी लगाई है, त्यौहार वाले दिन की मेहंदी है मेरी, तो देखिए बताइएगा मुझे कैसी लगी। और मैंने खुद लगाई है, इतना मुझे मतलब आती नहीं है मेहंदी लगानी, फिर मैंने फिर भी लगा ली थोड़ी बहुत। और यहाँ पर देखो शेल्बी सोई हुई है, और हमारे आसपास ही थी, क्योंकि इसको ये लग रहा था मतलब बहुत दिनों बाद हम इससे मिले थे ना, तो इसलिए हमारे आसपास ही थी, और बहुत ही प्यारी और क्यूट सी लग रही थी। और देखो मोटी भी हो गई है थोड़ी बहुत, तो मम्मी अच्छे से इसको खिला पिला रही हैं, और अच्छे से मतलब यहाँ पर पापा के साथ सुबह सैर पे जाती है, शाम को मतलब तीन चार बार खाना खाती है, इसका यहाँ पर सही एंटरटेनमेंट हो रहा है। और ऊपर छत भी है तो अच्छे घूम फिर आती है, और शिवम और सत्यम भी यहीं पर थे तो इसलिए इसका अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड, वेल ट्रेंड है, मतलब कि अगर आप कहोगे बैठ जाओ तो बैठ जाएगी, खड़े हो जाओ तो खड़ी हो जाएगी, तो मतलब अच्छे से ट्रेन किया हुआ है इसे गगन ने। और देखो वो इतने टाइम बाद भी अपनी ट्रेनिंग भूली नहीं है, हम इससे चार पाँच महीने बाद मिल रहे हैं, आई थिंक फरवरी में हम इसे छोड़ के गए थे। और यहाँ पर देखो गगन की दीदी हैं, जो बुआ की लड़की, वो यहाँ पर आई हुई है राखी बांधने के लिए। होट चबा रहे हो, खुश हो वाह, इस बारी लॉकडाउन में कितनी महंगी यार, बहुत महंगी पड़ी यार। नहीं लॉकडाउन में क्या होता है वो, सेफली सेफली ये नया नई आई है। अरे बादाम है, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, नया नया आइटम चेंज होता रहा, लेकिन डायलॉग वही सेम ही रहा है। अच्छा कहाँ है डायलॉग वही है भाई साहब, अगली बार डायलॉग भी कुछ नया सोच के। अब हम वो हैं, हमारी नानी आनी है, अब हमारी पुरानी आ रहा था, मामी होंगी अभी अभी भी आते हैं हमारे यहाँ पे, जोड़ से सामान पहले ले रहा हूँ, मेरे पे डर थोड़ी ना है, चेंज करेंगे ये इसलिए चेंज करा है, मिठाई खाई रखता नहीं हमने, की इस बार मिठाई अच्छी नहीं आ रही है, ये तो हमारी मामी सरप्राइज होगी है, ऐसे तो हमें रिएक्शन कर लेनी है। सत्य वैसे कैसे बैठा है थोड़ा आगे टिक्के बैठा कैसे उससे दीवार पे। हाँ अरे सेकंड वाली चैन में जिसमें क्या होता है वो पड़ा था, वीडियो बना हाँ मम्मी तो आगे अड़ रही है क्या हमारी की ले लो, ओ हो वीडियो तो बना दे आगे की
हो सकते हो, क्या मतलब ऑन तो किया ही नहीं। ले ले हसी वादियां, ये हसी वादियां खुला। कौन सी नदी है ये? क्वारी, क्वारी की शादी नहीं हुई। क्वारी नदी कीचड़ है पूरा, पानी रेतीला, रिपुल पे कीचड़ है। बाढ़ हो रही है, बारिश जम के मतलब हो रही थी। वीडियो बन रहा है। हो नहीं रही है, हो रही थी। मेरी सुबहों में तू, मेरी शामों में तू, मेरे झुमके में तू, मेरे सूखे में तू, मेरे सावन में तू। तो ये हो रही है सैर भिंड के बीहड़ की, जहाँ पर शूटिंग हुई थी पान सिंह तोमर की, जिसमें की थे इरफान खान। भिंड मुरैना की पूरी की पूरी मतलब जो लोकेशन थी वो थी, जहाँ तक आप जानते ही होंगे, आपने अगर मूवी देखी होगी पान सिंह तोमर, बहुत ही मस्त मूवी थी और बहुत ही अच्छी मूवी थी। आप लोग अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, और आपको ये बीहड़ याद भी आ जाएंगे। तो ये है वहाँ का नज़ारा, और देखो वहाँ पर अभी मंदिर गया था ना, तो वो मंदिर जो है ऊपर टिले पर था, और ये देखो ये नज़ारा। यहाँ से ट्रेन जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी कैप्चर कर लूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम बहुत सुहावना था। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं ना। और मौसम जब अच्छा हो ना तो सब चीज़ ही अच्छी लगती है। वैसे तो रोज़ का है, मतलब रोज़ का तो नहीं, कभी कभी यहाँ से आना जाना है, पर जब भी जाते हैं तो ये दिखते हैं, पर सुहावने मौसम में जाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सभी कुछ ऐसा लग रहा था कि भगवान ने सब कुछ धो दिया है बारिश से, तो इसलिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये है यमुना नदी, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी था और बहुत ही अच्छी लग रही थी नदी भी, और नदी में बहुत ज़्यादा पानी है अभी, और मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है, उफान पे नहीं है, लेकिन पानी अभी है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, तो पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। नागिन क्या चल रही है? नागिन के मिट्टी का तेल डाल के आई है क्या? मधु आ रही नागिन, अब झूली नहीं रही। बिटावा है, डर गया भैया, मिट्टी को तेल, मिट्टी को तेल लगे गाड़ी में, चलिए बीबी। हेलो हाय, देख रहे हो भाई शक्ल कैसे भूत बने घूम रहे हैं। सुबह आए, अभी देखो गाड़ी चल रही है, और ये हमारा एक्सप्रेस हाईवे है, सॉरी है ना, इसके बाद हम एक्सप्रेस जाएंगे, और ये मेरा भाई यहाँ पे, और मैंने आज आगे की सीट खाली कर दी है। हाँ, मेरा भाई भी दिखा नहीं, वो बाहर गया सामान लेने कुछ खाने पीने का। मैडम का मुंह पता नहीं कैसा कैसा हो रहा है, है? कैसा हो रहा, सही तो हो रहा है। तो इनके लिए कुछ लगी है टॉफी वगैरह, वो सब लेके आ रहे हम, और मुझे लगता है मैंने गाड़ी के गलत जगह पर लगाई है, नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। खत्म नहीं हो भाई, नहीं पाया तो भैया। हाँ, देखो मेरी मेहंदी, देखो इसकी मेहंदी, मैंने मम्मी के भी लगवाई थी, मम्मी की मैं फोटो शूट नहीं कर पाई। देखो अभी ये लेके आ रहा है, इससे इंट्रोडक्शन कराते हैं। हाँ भाई, चॉकलेट ले आया। क्या क्या ले आया? साले दो दो ले आया। चलो, अरे वाह, ये सैनिटाइज कर ले। हाँ चला। हेलो, तो आज डेट कितनी है? आज 4 तारीख है ना, 4 अगस्त है, और हम आ रहे हैं भिंड से आगरा, और अभी हम हैं एक्सप्रेसवे पर, अभी जस्ट हम एक्सप्रेसवे पर चढ़े हैं। और ये देखो आज हमारे साथ कौन आया है, हमारे साथ आए हैं सत्यम पाठक, पटाखा सत्यम पाठक आए हमारे साथ, मतलब गगन के सबसे छोटे वाले ब्रदर। तो हम जा रहे हैं आगरा, और हाँ वापिस आगरा जा रहे हैं। जमीने उत्ते लगते पैर ना, जमीने उत्ते लगते। अल्लाह शुक्रुल्लाह, शिराजी अफजल खान है यहाँ पर, काशी करी कारीगरी की थी तुमसे सीखी। पहली 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 बार मिला था शर्मा जी से, शर्मा जी।
तो भिंड से आगरा आते वक्त जब हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें लाल किला दिखा, तो मैंने सोचा बाहर से शूट कर देती हूँ, अंदर से तो जब देखेंगे तभी देखेंगे, जब लॉकडाउन की थोड़ी सी स्थिति कम हो जाएगी, कोरोना की स्थिति कम हो जाएगी तभी कुछ दिखा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हो तो। और आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।